traveling students. The third unit is between the two world wars, Nazism in Germany and World War II. The First World War severely affected the economic of most European countries, but the efforts to recover were constrained by the Great Depression. मतलब जो First World War से लोगों को बहुत बुरा effect पड़ा था, बहुत बुरा असर पड़ा था, इसलिए Great Depression से वो थोड़ा बहुत recover करना चाहते थे. This led to rising social tension within these countries. जिससे Great Depression के चलते आपस के सभी countries में social tension बढ़ गया. Many people were influenced by the Russian Revolution and they spread socialist and communist labor movements. बहुत से लोगों को Russian Revolution बहुत अच्छा लगा, इसीलिए वो socialism और communism, socialist and communist labor movements को आगे बढ़ाने लगे. As a result, these countries faced a dilemma. जिसके चलते इनको क्या है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा. They had to decide which path to follow among the three predominant ideologies of those days. इनको ये उस समय डिसीशन लेना मुश्किल पड़ रहा था कि कौन सी तीन से रास्ते ये अपनाएं, लिबरल डेमोक्रेसी को अपनाएं या सोशलिज्म कम्युनिज्म को अपनाएं एंड सोशलिज्म को एंड कम्युनिज्म एंड कन्वर्टिज्म को अपनाएं. मतलब सोशलिज्म कम्युनिज्म एंड कन्वर्ट सोशलिज्म या कम्युनिज्म को अपनाएं या कन्वर्टिज्म को अपनाएं. मतलब उस समय बहुत अधिक मात्रा में अपने लोग अपने आप को कन्वर्ट कर रहे थे. जो जिस धर्म को मानता था या जो जिस रिलीजन को फॉलो कर रहा था उससे वो दूसरी रिलीजन में कन्वर्ट कर रहा था. The decision basically depended on which social and economic class dominated the society. ये उन पर ज़्यादा असर पड़ रहा था जो सोसाइटी को डॉ मतलब जो सोसाइटी को चला रहा था, जो जिसके अंडर में सोसाइटी था. लिबरल डेमोक्रेसी अपोज डिक्टेटरशिप. लिबरल डेमोक्रेसी हमेशा डिक्टेटरशिप को खिलाफ करता था, उसके अगेंस्ट में रहता था. एंड फेवर्ड एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन विच द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर आंसरेबल. और हमेशा उसका फेवर करता था जो जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है उनका फेवर करता है, और ठीक उनसे ही जो देश चलाया जाता था उनको फेवर करते थे. सच गवर्नमेंट गारंटीड सिटीजन्स राइट. इस तरह की सरकार हमेशा सिटीजन नागरिक का जो अधिकार है, नागरिक का जो क्या बोलते हैं ड्यूटीज है, राइट्स एंड ड्यूटीज है, उसको फेवर करता है. एंड वर गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ. और रूल ऑफ लॉ मतलब नियम के तहत हमेशा चलता है, कभी वो नियम से हटता नहीं है. दे डिपेंडेड ऑन कंसेंसस फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज टू पब्लिक डिबेट्स टू अवॉइड सोशल कॉन्फ्लिक्ट. सोशल कॉन्फ्लिक्ट मतलब सामाजिक मतभेद को हटाने के लिए, सामाजिक मतभेद के अगेंस्ट में वो हमेशा नियम से चलते थे. और फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज, वो हमेशा पॉलिसीज को फॉर्म करते थे और उस जो पॉलिसीज को फॉर्म करते थे वो उसी के अनुसार गवर्नमेंट रूल होता था. मेनी कंट्रीज अडॉप्टेड लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 1919 एंड फॉर्म गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रोविजन कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत सी गवर्नमेंट 1919 के बाद से बहुत सी गवर्नमेंट लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन का चुनाव किए. उन्होंने लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अपना कॉन्स्टिट्यूशन उनका अधिकार रखा. हाउएवर इन प्रैक्टिस द वेल्थी क्लासेस इन दिस कंट्री सून बिगन टू डोमिनेट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ. लेकिन जो कैटेगरी वन था, जो मतलब जो रईस लोग थे, वो बहुत जल्दी ही इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ को मतलब अपना डोमिनेट करने लगे. डोमिनेट करने मतलब उनके ऊपर अपने कंट्रोल करने लगे थ्रू करप्ट प्रैक्टिसेस. करप्ट प्रैक्टिसेस मतलब बेईमानी की तरह के चलते वो अपने आप को इस तरह से लोगों को दबाने लगे. कंट्रीज सच एज ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका व्हिच वर मटेरियली वेल्थी एंड फेस्ड लेस सोशल कॉन्फ्लिक्ट वर जनरली मोर सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग लिबरल डेमोक्रेसी. ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि ज़्यादा विच मटेरियली वेल्थी फेस्ड लेस सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पर कम सोशल कॉन्फ्लिक्ट था, जहाँ सामाजिक मतभेद जहाँ पे कम था, वहाँ पर जल्दी ही लिबरल डेमोक्रेसी आगे बढ़ जाएगा. ये जो क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज अ लिबरल डेमोक्रेसी क्लैरिफाइड विद रीजन, तो इसका आंसर ये होगा यस. इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज अ लिबरल डेमोक्रेसी. और इसका जो रीजन होगा, इसका जो रीजन ये है कि आप सेकंड पैराग्राफ के सेकंड लाइन में आएंगे. सच गवर्नेंस गारंटीड सिटीजंस राइट्स एंड फ्रीडम्स एंड वर गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ. ये आपका आंसर है. उसका सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज करप्शन वीकन ए लिबरल पॉलिटिकल सिस्टम. करप्शन
weaken the weakens electro-political system through corrupt practices, leaving the elected representative powerless to represent the interest of people. मतलब इतना corrupt practices corrupt बेमानी से वो क्या बोलते हैं उनका असर पड़ता था कि वो जो लोग सत्ता में बैठे थे उनको भी उस वो उनके अपने अपने फेवर में करते थे और पीपल मतलब लोकल पब्लिक जो है उनके अगेंस्ट में चल जाती है. दीज आंसर्स बाय द बेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर आई एम पोस्टिंग. थैंक यू.